सन्ड्री मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों प्रोसेस का दिया हुआ है। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए 5% एंड प्रोसेस बी 4%। प्रोसेस ए का वेस्टेज यानी नॉर्मल लॉस 5% है और प्रोसेस बी का 4% है। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए सोल्ड एट 0.25 मतलब रियलाइजेबल वैल्यू है, एंड दैट ऑफ बी 0.50 पर यूनिट, एंड दैट ऑफ सी, सी का भी बताया है, देखो सी का बताया है, सी का भी बताया है 1 रुपीज करके। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, क्या बताओ? सी का क्या नहीं गिवन है? नॉर्मल लॉस का सेलेबल प्राइस दिया हुआ है, ए का नॉर्मल लॉस का परसेंटेज बताया कि 5% लॉस होता है, बी का 4% बताया, बट सी का नहीं बताया है। ये चीज यहाँ पर मिसिंग है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। द ओवरहेड चार्ज वेयर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, अच्छा ये सब खर्चा डायरेक्ट है, डायरेक्ट को छोड़ के ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट खर्चे में है 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट 10 पर यूनिट फेचिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए में सेल होगा, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, और प्रॉफिट जो अर्न होगा वो 20% ऑन सेल, मतलब सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट यानी 2 रुपए का प्रॉफिट। 10 रुपीज तो सेलिंग प्राइस बताया ही है, उस पे 20% का प्रॉफिट यानी कितना हो रहा है, 10 पे 20% 2 रुपए ही होता होगा, देखते हैं। हाँ 2 रुपया। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी, प्रोसेस सी का वेस्टेज कितना है परसेंटेज, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, वही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है? तो ये वाला और देख लेते कुछ बोला है नहीं, या यहीं पर कंप्लीट होता है। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें प्रोसेस ए प्रोसेस बी ये दोनों ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? प्रोसेस ए प्रोसेस बी भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें प्रोसेस सी का इनपुट नहीं पता चलेगा तो हम लोग परसेंटेज ऑफ वेस्टेज भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें तीनों का तीनों प्रोसेस ही करना पड़ेगा, जो कि हमारा मतलब आंसर का मतलब सोल्यूशन का ही पार्ट होगा, कोई वर्किंग नोट नहीं है, ठीक है? तो पहले हम लोग बनाएंगे प्रोसेस ए। अच्छा प्रोसेस ए में देखो क्या क्या है, पहले इनिशियल इनपुट है 10,000 यूनिट, टू इनपुट मेटेरियल 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.1 करके था, हाँ 10,000 एट द रेट ऑफ 1.1, तो ये हो जाएगा 11,000, ठीक है? ये हो गया 11,000। उसके बाद फिर से सन्ड्री मेटेरियल प्रोसेस ए में 1500, टू सन्ड्री मेटेरियल प्रोसेस ए में 1500, अच्छा उसके बाद डायरेक्ट लेबर 4500, टू डायरेक्ट लेबर 4500, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 1000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 1000, ठीक है? अच्छा और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ओवरहेड बोला था, टू ओवरहेड, ओवरहेड है देखो, ओवरहेड बता रहा है 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर जितना है मतलब 4500 का 160%, तो कितना होगा 7200, 7200। और कोई एक्सपेंसेस है? नहीं, और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग नॉर्मल लॉस लिखेंगे जो कि है 5%, ठीक है? इधर लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस 5%, हमेशा ये इनपुट पे यूनिट जो है कैलकुलेट होता है, तो 10,000 का 5%, तो 500 हो गया, 500 यूनिट, और ये अगर सेलेबल है तो रियलाइजेबल वैल्यू लिखा जाएगा, हाँ 0.25 करके, तो एट द रेट ऑफ 0.25, तो 500 यूनिट को अगर 0.25 करके सेल करेंगे तो रिकवरी होगा 125 का, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी में कितना ट्रांसफर हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। वैसे इन लोगों ने अपना आउटपुट कुछ नहीं बताया है कि कितना आउटपुट होगा, तो इसका मतलब हम लोग नॉर्मल लॉस डिडक्ट करने के बाद जो भी बचेगा उसी को हम लोग फाइनल आउटपुट बोल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ 10,000 है आउट इनपुट, ठीक है? अच्छा अब 10,000 में अगर 500 मेरा लॉस हो जाएगा तो बचा जितना वही मेरा
नेक्स्ट वाले प्रोसेस में जाएगा तो 9500 आ रहा है, देखो 9500 आ रहा है, ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिए, ठीक है, बैलेंस करके, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था कि कितना आउटपुट है प्रोसेस बी के लिए, मतलब कितना आउटपुट इन ये प्रोसेस बी में जाएगा एज ए इनपुट, वो नहीं बताया था। अच्छा अब यहाँ पर देख लेते कितना टोटल खर्चा हुआ है, 11,000, 1,500, 4,500, 1,000 और 7,200, तो ये हो जाएगा 25,200, ठीक है, 25,200 हो गया। अब यहाँ पर बैलेंस करके निकाल सकते हो, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन हम लोगों को लॉजिकली चलना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा सोल्यूशन में, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, हम लोगों ने खर्चा कितना किया है 25,200, लेकिन हमारा खर्चा थोड़ा कम हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा नॉर्मल लॉस सेलेबल था तो खर्चा इतना कम हो गया। इनपुट दिया था हम लोगों ने 10,000 यूनिट, लेकिन नॉर्मल लॉस के वजह से 500 यूनिट जो है वो लॉस हुआ है, ठीक है। तो कितना हमारा खर्चा आया, 25,200 हुआ था लेकिन 125 रिकवरी हो गया, तो हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ 25,075। और प्रोडक्शन कितना यूनिट हुआ, प्रोडक्शन हुआ 9,500 यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट में आ रहा है कुछ, ठीक है, 2.639 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.639 ऐसे करके है, तो हम 64 लिख देते हैं, ठीक है, यूनिट। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर 2.64 से मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों साइड 25,200 आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में जितना भी डिजिट दिख रहा है, मेरे कैलकुलेटर में ऐसे दिख रहा है 2.639473682841, ठीक है, ये पूरे से हमें इनटू 9,500 करना चाहिए, ठीक है, जितना भी है इनटू तुम लोग 9,500 करो, तो आंसर ऐसा आ रहा है, देखो आंसर ऐसे आ रहा है 25,074.99999 ऐसे दिख रहा है। तो हम लोग इस ये 9 है तो यहाँ पर 1 ऐड करके इसको लिख सकते हैं 25,075, ये 4 में 1 ऐड करके 5 लिख सकते हैं, और इसके वजह से देखो यहाँ पर टोटल करके 125 प्लस ये वाला अमाउंट करने से एकदम एग्जैक्ट 25,200 आ रहा है। देखो यहाँ पर 25,075 प्लस 125 करेंगे तो एग्जैक्टली 25,200 आएगा, जो कि 2.64 करने पे नहीं आएगा, चेक कर सकते हो, 2.64 एट द रेट हम लोग लिख रहे हैं। अब तुम लोग इंटू करो 9,500 इंटू 2.64, उसमें आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, देखो 25,080 देख सकते हो। अगर तुम लोग यहाँ पर वो लिखोगे फिर यहाँ पर मैच करना मुश्किल हो जाएगा, कि इधर तो देखो इधर तो कोई चेंजेस हो नहीं सकता, ये तो क्वेश्चन में बताया 25,200, अगर हम लोग ये लिख देते हैं देन 125 ऐड करते हैं तो वो टोटल जो है वो 25,205 आ जाएगा, मतलब 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपीज एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग प्रोसेस का क्वेश्चन करेंगे और अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो एकदम एग्जैक्ट आया था, कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं, जैसे इधर 20 आया, इधर 40 आया, ठीक है, इधर आया 76, लेकिन अगर हमारा ऐसा अप्रोक्सीमेशन आ रहा है तो कैलकुलेटर में जितना सारा डिजिट दिख रहा है सारा रहने दो, कुछ भी वहां से डिलीट मत करो, और उसमें जो भी हमारा इक्विवेलेंट यूनिट है उसको इंटू करके आंसर लिख दो, तभी टैली होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लिखने के टाइम क्या इतना सारा डिजिट लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है 2 पॉइंट जितना, मतलब 2 डिजिट लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर रुपए पैसे का बात होता है पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आता है ना, तो 2 डिजिट ले लेंगे यहाँ पर, लिखने के टाइम पे 2.64 लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ये जो कैलकुलेटर डिजिट शो कर रहा है वो वाला से इनटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो, नहीं तो फिर वो 2 रुपए 5 रुपए ऐसे का डिफरेंस आ जाएगा और वो डिफरेंस फिर सॉल्व नहीं होगा, तो इस तरह से करना पड़ेगा, और ये लिखने में कोई गलती भी नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखने से ही होगा 2.64। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं, प्रोसेस बी। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, प्रोसेस ए से ट्रांसफर कितना होगा, 9,500, 25,075, 9,500। अच्छा फिर यहां पर लिखेंगे टू सन्ड्री मेटेरियल, सन्ड्री मेटेरियल 1,500 और डायरेक्ट लेबर 8,000, 1,500 डायरेक्ट लेबर 8,000, टू
डायरेक्ट लेबर 8,000। अच्छा डायरेक्ट लेबर 8,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000, टू ओवरहेड हो जाएगा 160%। कितना था? 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर है 8,000, 8,000 का 160%, देखते हैं कितना होता है, 12,800। ठीक है, ये बन गया 12,800। अब हम लोग यहाँ पर खर्चा तो और कुछ बाकी नहीं है, बाई नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस इनपुट यूनिट पे होता है, तो 9,500 इंटू 4% था, ये देखो 4%, तो ये इंटू करके देखते हैं कितना यूनिट आता है, ये हो गया 380 यूनिट नॉर्मल लॉस है, सेलेबल भी था कितना करके 0.50, तो एट द रेट ऑफ 0.50 यानी 50% में बिक जाएगा, तो 380 का आधा दैट इज 190, या फिर इंटू 0.5 कर लो, एक ही बात है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। ठीक है, हमें नहीं पता कितना ट्रांसफर एक्चुअल आउटपुट कितना यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है, तो हम लोग इनपुट जितना दिए थे और जितना हमारा नॉर्मल लॉस हुआ उसको माइनस कर देते हैं, जो बचेगा वो पूरा का पूरा आउटपुट हो जाएगा, तो 9,500 माइनस 380, ठीक है, तो 9,120, 9,120 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर कॉस्ट भी टोटल कर लेते कितना हो रहा है, 25,075 प्लस 1,500 प्लस 8,000 एंड 1,000, 9,000 और 12,800, तो ये हो जा रहा है 48,375। कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट 48,375 माइनस रिकवरी फ्रॉम स्क्रैप 190, इनपुट यूनिट 9,500, लॉस 380, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 48,375 माइनस 190, तो ये आ रहा है 48,185 डिवाइडेड बाय 9,120। यहां पर भी देखो पॉइंट आ रहा है, 5.283 आ रहा है, तो हम 280 लिख रहे हैं, रुपीज 5.28 पर यूनिट, लेकिन जब हम लोग इंटू करेंगे तो कैलकुलेटर में 5.2834429825 ऐसा आना चाहिए, ठीक है, तो इंटू पूरा कर लेंगे 9,120, पूरा डिजिट से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 48,184.99 आ रहा है, तो 48,185 कर देंगे, 0.9 है तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ रहा है 5 और ये हो गया 48,375, तभी होगा एट द रेट ऑफ 48, नहीं एट द रेट ऑफ कितना करके था 5.28, 5.28, लेकिन 5.28 से तुम लोग करके देख सकते हो एग्जैक्ट ये वाला आंसर नहीं आएगा, डिफर कर जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, तो इसीलिए ये वाला जो प्रोसेस है वो हमें याद रखना है कि किस तरह से करना पड़ेगा जब भी अप्रोक्सीमेशन आएगा। अच्छा अब प्रोसेस थ्री, सॉरी प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है, प्रोसेस सी जहां पर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है वही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी 9,120, 9,120, 48,000 185, टू सन्ड्री मेटेरियल, मेटेरियल कितना है 1,500, टू डायरेक्ट वेजेस 6,500, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 1,503, टू ओवरहेड, ओवरहेड हो जाएगा वेजेस का 160%, तो 6,500 का 160% करके देखते हैं कितना होता है, 10,400 यहां पर आ रहा है, ठीक है,
यहाँ पर लिख देते कैसे आया, 6500 इंटू 160% करके आया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस, बट हमें ये नहीं पता है, इनपुट तो पता है जो भी लॉस होगा इसके ऊपर होगा, लेकिन परसेंटेज हमें नहीं पता है कितना है। और ये सेलेबल है, हाँ सेलेबल है, कितना करके, 1 रुपए में, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 1 होगा, लेकिन कितना परसेंट है वो ही नहीं पता कि यहाँ पर हम लोग यूनिट को लिखें। अच्छा बाई ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हो जाएगा, क्योंकि यही वाला फिनिश स्टॉक, ठीक है, फिनिश स्टॉक, क्योंकि यही वाला लास्ट प्रोसेस है। और फिनिश स्टॉक में कितना जाएगा ये भी हमें, ये तो कहीं पर भी नहीं बताया था, ये नहीं पता है। अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखो हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ता है हर प्रोसेस के एंड में। तो अगर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते, यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ देते वो टोटल लिखने के लिए, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइजेबल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट मतलब ये लास्ट प्रोसेस का कॉस्ट कितना है। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट अगर 10 रुपए में बिकेगा और उसमें 20% प्रॉफिट होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना होगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोसेस ए प्लस प्रोसेस बी प्लस प्रोसेस सी, ये तीनों प्रोसेस से जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और फाइनल प्रोडक्ट सेल हो रहा है कितने में, 10 रुपीज में, जिसमें बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना है, ये 10 रुपए में सेल करके प्रॉफिट है हमारा 20%, यानी 2 रुपए। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 रुपए अगर माइनस कर देंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है, फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट है। फिनिश प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, प्रोसेस सी में मिलता है। तो प्रोसेस सी का कॉस्ट पर यूनिट हम लोग बोल सकते हैं 10 माइनस, ये देखो 10 माइनस 10 इंटू 20%, ये हो गया हमारा प्रोसेस सी का कॉस्ट। ये वाला कॉस्ट हम लोग प्रोसेस सी में इसीलिए अप्लाई करें क्योंकि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट का कॉस्ट है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ पर हमें मिलेगा, प्रोसेस सी में। तो प्रोसेस सी में अगर कॉस्टिंग इतना हो रहा है तो हम लोग माइनस करके लिख ही सकते हैं, सेल माइनस प्रॉफिट करके कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अच्छा अब टोटल कॉस्ट हमें पता है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर हम लोग टोटल करके निकाल सकते हैं, 48,185 प्लस 1500 6500 प्लस 1503 प्लस 10,400। अच्छा ये टोटल आ रहा है 20, ये क्या दिखा रहा है कैलकुलेटर, 20,000 कैसे पॉसिबल है, 48,185 प्लस 1500 प्लस 6500 प्लस 1503 प्लस 10,400, 68,088। एक बार हम लिख भी लेते इधर, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी लिख लेते 68,088। ये हमारा टोटल कॉस्ट है 68,088। स्क्रैप रियलाइजेबल कितना है वो उसका रेट बता दिया है, स्क्रैप रियलाइजेबल देखो रेट बता दिया है कितने करके होगा, 1 रुपए, ये देखो 1 रुपए करके होगा। तो स्क्रैप का रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना यूनिट स्क्रैप होगा इनटू जितने से हमारा रिकवरी हो रहा है, मतलब जितना करके सेल हो रहा है मार्केट में। तो अगर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट स्क्रैप यूनिट या फिर नॉर्मल लॉस यूनिट इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो कितना रिकवरी देगा, एक्स यूनिट अगर मेरा नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस अगर 1 रुपए करके बिकेगा और इसका सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, सेल वैल्यू एट द रेट ऑफ 1 के हिसाब से x इंटू 1, एक्स यूनिट नॉर्मल लॉस हुआ है और 1 रुपए करके अगर सेल हो जाएगा तो रुपीज एक्स का हमें रिकवरी देगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा इनपुट यूनिट कितना है वो तो यहाँ दिख रहा है 9120, इनपुट यूनिट है 9120, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9120, यहाँ भी लिख लेते हैं 9120। और नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है, एक्स, अभी हम लोगों ने एज्यूम किया ना एक्स है नॉर्मल लॉस यूनिट, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हो गया 8, ठीक है, 68088 माइनस एक्स, ये पूरा रुपीज में हो गया और ये 9120 माइनस एक्स, ये यूनिट में हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 68088, यहाँ पर रुपीज लिखने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे ना, 8 इंटू 9120 माइनस एक्स। अब जैसे ही यहाँ से एक्स सॉल्व हो जाएगा हमें ये पता चल जाएगा कितना यूनिट स्क्रैप हुआ था, तो 68,088 माइनस एक्स इक्वल टू 8 इंटू 9120,
72,960 माइनस 8x. अब 8x इधर लेके आओ, 72,960 माइनस 68,088, तो ये हो गया 4872 और यहां पर हो गया 7x. therefore x इक्वल टू 696 आ रहा है, 696. तो x का वैल्यू आ गया, मतलब 696 यूनिट हमारा स्क्रैप होगा. तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर कितना लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे 696. और एक रुपए करके अगर सेल होगा तो 696 रुपए से रिकवर देगा, ठीक है. लेकिन हमें परसेंटेज भी पता करने बोला है, तो हम लोग परसेंटेज भी पता कर लेते हैं. तो 696 अगर मेरा नॉर्मल लॉस होगा 9120 में, तो मेरा फिनिश गुड्स कितना बनेगा, 8424. और कॉस्ट पर यूनिट तो हमें पता ही है, 8 रुपीज करके था, अभी तो हम लोगों ने देखा 8 से 2 माइनस करके, प्रॉफिट माइनस करके, तो 67392 ऐड करके देखते हैं, 696 कितना होता है, 68088 यहाँ पर लिख देते हैं, 68088. और यहाँ पर जो यूनिट हो रहा है 696 प्लस 8424, 9120 ये आ रहा है. हम लोग को परसेंटेज भी पूछा था, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस. तो परसेंटेज में कैलकुलेट अगर करना है, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, तो यूनिट में कितना है 696, और नॉर्मल लॉस किस पे काउंट होता है, इनपुट पे. तो 9120 क्या कहां पर लिखेंगे, इसके नीचे, ठीक है, 9120 × 100. तो परसेंटेज पता चल जाएगा, देखो कितना हो रहा है, 696 / 9120 × 100, तो ये कुछ आ रहा है 7.63, ऐसा कुछ परसेंटेज आ रहा है, 7 अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, 7.631 ऐसे आ रहा है, तो हम 7.63 लिख देते हैं. तो परसेंटेज के हिसाब से आंसर ये होगा 7.63%. तो यहाँ पर देख लो, 9120 × 7.63% करोगे तो 695.8 आ रहा है, इसका मतलब 696, ठीक है. या फिर और एक तरीके से भी तुम लोग एग्जैक्ट कर सकते हो, जैसे 696 / 9120 × 100 करने पे जितना भी डिजिट आ रहा है, × 9120 / 100 करके देखो, एग्जैक्ट 696 ही आ जाएगा, मतलब 0.999 आएगा, ज्यादा क्लोज वैल्यू आएगा, ठीक है. हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अपना जो भी आ रहा है दो डिजिट के साथ, 7.63%, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग इस अकाउंट को बना सकते हैं. तो यहाँ पर ये अलग था क्वेश्चन थोड़ा, जहां पर हमें ये पूछा था कि प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस परसेंटेज में बताओ, जो हमें गिवन नहीं था. अच्छा, इसके बाद और एक क्वेश्चन होगा, आई थिंक ये वाला, एक मिनट बताते हैं. ये वाला क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, दो प्रोसेस से ट्रांसफर होने के बाद फिनिश गुड्स बनता है. फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस द इंसिडेंस ऑफ वेस्टेज इज ascertained as under, process A का normal loss, process B का normal loss. In each case, the percentage of wastage is computed on the number of units entering the process concerned. ठीक है, वही मतलब input पे करना है, हम लोग हर एक process पे कितना input दे रहा है, कितना entering units हो रहा है, उसी के ऊपर wastage जो है calculate करना है. अगर नहीं भी बताता है तो हम लोग input unit पे ही करते हैं. The sales realization of wastage दिए दिया है 25 per 100 unit, यहाँ पर लेकिन पर यूनिट नहीं दिया है, 100 unit सेल होने पे 25 रुपए और 100 unit सेल होने पे 50 रुपए. तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये 100 unit पे दिया हुआ है. अच्छा, उसके बाद क्या दिया है, देखो उसके बाद यहाँ पर दिया है
द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2015, 40,000 यूनिट ऑफ क्रूड मेटेरियल वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ए एट अ कॉस्ट ऑफ 16,000. तो प्रोसेस ए का ये इनिशियल इनपुट है, उसके बाद अदर मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे बाकी क्वेश्चन में रहता है वैसे ही दिया हुआ है. आउटपुट दे दिया है 39,000. फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टॉक, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टॉक अप्रैल 1 में 6,000, अप्रैल 30 में 5,000. ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा था. फिनिश प्रोडक्ट स्टॉक का मतलब प्रोसेस ए सारा का सारा आउटपुट जो है वो प्रोसेस बी को नहीं ट्रांसफर करता है, कुछ आउटपुट जो है वो अपने पास एज ए फिनिश स्टॉक रख लेता है, एज ए क्लोजिंग स्टॉक रख लेता है. ठीक है, ये देखो 6,000 अप्रैल 1 में ये ओपनिंग हो जाएगा. इसका मतलब ये अगर अप्रैल का इंफॉर्मेशन है, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक है, ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक है जो 30th अप्रैल का दिया हुआ है. और यहाँ पर बताया है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक पर यूनिट ऑन 1st अप्रैल, मतलब ओपनिंग स्टॉक जो 6,000 था उसका कॉस्ट कितना करके है 1.20. ठीक है, सिमिलरली प्रोसेस बी के लिए भी यहाँ पर खर्चा बता रखा है, मेटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ठीक है, यूनिट्स जो है, आउटपुट, ये देखो आउटपुट 36,500, लेकिन ये भी पूरा आउटपुट जो है फिनिश स्टॉक में नहीं ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, ये प्रोसेस से भी थोड़ा आउटपुट जो है रह जाता है, ये देखो रह जाता है, इसीलिए अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मई में ओपन हो जाएगा और मार्च का जो क्लोजिंग था वो अप्रैल में ओपनिंग हो गया और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 1.60 प्रोसेस बी का दिया हुआ है. स्टॉक्स आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट. अच्छा, तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा और ट्रांसफर होगा सब्सिक्वेंट प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जब ट्रांसफर होगा तो हमें कौन सा मेथड लेना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लेना है. प्रिपेयर रेस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट, हमें यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट के साथ साथ प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट भी बनाना है क्योंकि दोनों प्रोसेस अपना स्टॉक अकाउंट फॉलो करते हैं. तो प्रोसेस ए और प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस बी और प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट, इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा. बस इतना ही है. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें अलग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है प्रोसेस स्टॉक के साथ. क्वेश्चन नंबर 32. अच्छा, पहले प्रोसेस ए फिर प्रोसेस ए का स्टॉक, तो यहां पर लिखते हैं प्रोसेस ए अकाउंट. यूनिट अमाउंट और यहां पर प्रोसेस ए का फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट. अच्छा, प्रोसेस ए में सबसे पहले मेटेरियल इंट्रोड्यूस देखो बता रखा है यहाँ पर, कहाँ था इंफॉर्मेशन, ये देखो 40,000 यूनिट और 16,000 खर्चा हुआ है, तो 40,000 यूनिट टू मेटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, या फिर इनपुट भी लिख सकते जैसे हम लोग लिख रहे थे टू इनपुट मेटेरियल, तो टू मेटेरियल इंट्रोड्यूस्ड. अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अदर मेटेरियल 16,000, लेबर 9,000, टू अदर मेटेरियल वो भी 16,000 है, टू डायरेक्ट लेबर था 9,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 8,200, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 8,200. अच्छा, अब यहाँ पर नॉर्मल लॉस लिखेंगे, बाई नॉर्मल लॉस, क्योंकि और कोई एक्सपेंसेस था नहीं कि हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करें, सारा एक्सपेंसेस मैंने रिकॉर्ड कर लिया. नॉर्मल लॉस ये देखो 2% दिया हुआ है, तो इनपुट यूनिट का बोला था और नहीं भी बोलेगा तो हम लोग इनपुट यूनिट पे ही तो कैलकुलेट करेंगे कि कितना लॉस है. तो 40,000 का 2%, तो देखो 40,000 का 2% कितना होता है, 800. 40,000 का 2% हो गया 800, और इसको हम लोग कितने में सेल कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 25 per 100 यूनिट. 100 यूनिट को बेचने में अगर 25 रुपए मिलेंगे तो 800 यूनिट को बेचने में कितने लगेंगे बताओ,
कैसे कैलकुलेट करोगे? यूनिटरी मेथड करके करना पड़ेगा। अगर 25 रुपए में 100 यूनिट बिक जाते हैं तो फिर 800 यूनिट बेचने में कितना खर्चा करना पड़ेगा बताओ? एक एक यूनिट बेच के कितना मिलता है बोलो? 100 यूनिट बेच के अगर मुझे 25 रुपए मिल रहा है, 25 रुपीज मिल रहा है आफ्टर सेलिंग 100 यूनिट, देन एक यूनिट बेचने से कितना मिलता है? कैसे निकल? डिवाइड करेंगे 25 बाई 100.25, है ना? डिवाइड करेंगे ना, एक यूनिट का प्राइस तो कम होगा, तो कितना हो गया? 0.25, 0.25 करके हो जाएगा। अब एक यूनिट का अगर 0.25 है तो 800 का कितना होगा? इंटू 800, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इंटू 25 बाई 100, ठीक है? 25 बाई 100 से हमें पर यूनिट का मिल जाएगा इंटू 800, तो ये हो रहा है 200, हाँ 200 रुपीज। अच्छा, अब यहाँ पर हमें आउटपुट भी बता दिया 39,000, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस ए लिखेंगे, यहाँ पर प्रोसेस बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रोसेस ए अपना एक फिनिश स्टॉक अलग से मेंटेन करता है, वहां पर अपना फिनिश स्टॉक को ट्रांसफर करता है, तभी डिसाइड करता है कितना खुद के पास रख लेगा और कितना दूसरे वाले प्रोसेस यानी प्रोसेस बी को ट्रांसफर करेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोसेस बी में नहीं भेजेंगे हम लोग, पहले ये प्रोसेस ए का जो फिनिश स्टॉक का जो मतलब अकाउंट है या फिर फिनिश स्टॉक जो वहां पर रखता है, मतलब प्रैक्टिकली अगर सोचो तो प्रोसेस ही अपना फिनिश गुड्स बना रहा है और अपना ही एक स्टोरेज में उसे रख रहा है, फिर वहां से डिसाइड कर रहा है कि कितना रख लेना है खुद को और कितना प्रोसेस बी को ट्रांसफर करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर टू प्रोसेस बी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस ए। कितना ट्रांसफर होगा? 39,000, क्योंकि यही आउटपुट है, ठीक है? लेकिन आउटपुट कितना होना चाहिए था? अगर मेरा इनपुट 40,000 है और मेरा नॉर्मल लॉस अगर 800 है, तो मेरा आउटपुट होना चाहिए था 39,200। देखो इधर दोनों साइड बैलेंस करने से भी पता चलेगा ना, 39,200, लेकिन हमारा 39,000 ही आउटपुट जो है वो फिनिश स्टॉक में जा रहा है, इसका मतलब बाकी क्या है? एबनॉर्मल लॉस। 40,000 से 800 माइनस करने से ही तो पता चलेगा कि कितना मुझे आउटपुट मिलना चाहिए था। आउटपुट 39,200 मिलना चाहिए था, बट मिल रहा है 39,000, तो 200 क्या हो गया? मेरा एबनॉर्मल लॉस। या फिर तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो भी मिल जाएगा। अब ये दोनों का वैल्यूएशन कॉस्ट पर यूनिट पे करना चाहिए, तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट यहाँ निकाल लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट जगह तो है। तो टोटल कॉस्ट कितना रहा है? 16,16,32 और यहाँ पर 9,000 और 8,000, 17,200 प्लस 32,000, तो ये हो गया 49,200। 49,200 माइनस 200, 49,200 टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइजेबल डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट यानी 40,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 800, तो ये हो जाएगा 49,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना हो रहा है 32,000, नहीं कितना हो रहा है, 40,000 माइनस 800 कितना हो रहा था देखते हैं, 39,200 कितना आ रहा है देखते हैं, 1.25 करके आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है 1.25। अच्छा, अगर 1.25 आएगा तो इसका वैल्यूएशन भी होगा उसी बेसिस पे 1.25, ठीक है? तो 200 इंटू 200 कर लो तो 250 आ रहा है, और ये भी हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1.25, तो 39,000 48,750। अच्छा, तो इसका वैल्यूएशन कितना रहा है देखते हैं, इसका टोटल कितना रहा है? ये हो गया 800 और 200,000, ये हो गया 40,000, और ये 48,750 प्लस 450, तो 49,200, ठीक है? ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस ए के फिनिश स्टॉक में। अगर ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ रिसीव भी करेंगे, यहाँ पर रिसीव भी करेंगे, तो रिसीव के लिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ भी यूनिट अमाउंट होता है टू। पहले देखो अगर ओपनिंग स्टॉक कुछ है, अब यहाँ पर देखो जो हम लोग फिनिश गुड्स का स्टॉक अकाउंट बना रहे तब प्रोसेस ए के पास ऑलरेडी 6,000 यूनिट का फिनिश स्टॉक है ओपनिंग, तो ओपनिंग लिखना पड़ता है ना, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड
स्टॉक या फिर फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स कितना है 6000 और एट द रेट ऑफ 1.20 करके होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का कॉस्टिंग का रेट कितना हुआ था वो जब तक हमें क्वेश्चन नहीं बताएगा हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। जैसे इस बार कितना हुआ 1.25 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यही वाला कॉस्टिंग प्रीवियस ईयर था 1.20, ठीक है, इसी प्रोसेस में। तो 1.20 करके इसका वैल्यूएशन करेंगे तो 6000 × 1.2 तो ऑलरेडी इनके पास 6000 यूनिट और 7200 रुपए का ओपनिंग स्टॉक एज ए फिनिश गुड्स है। और इस बार जो फिनिश गुड्स बना है उसको हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, ठीक है, प्रोसेस ए से ट्रांसफर हुआ है। कितना ट्रांसफर हुआ है 39000 ट्रांसफर होगा, ठीक है, और उसका कॉस्टिंग कितना हो रहा है, कॉस्टिंग हो रहा है 48750। तो टोटल इतना, टोटल टोटल कितना फिनिश स्टॉक हो गया इन लोगों के पास, टोटल करके देखो 39000 पहले से इस बार बना और 6000 पहले से था, तो टोटल फिनिश गुड्स है 45000 यूनिट, ये यूनिट में आया। और कॉस्टिंग अगर देखें तो 48750 प्लस 7200 यानी टोटल 55950 रुपीस का इन लोगों के पास क्या है, मतलब फिनिश गुड्स है जिसका कॉस्ट इतना है और यूनिट के हिसाब से 45000 है। अब कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना है और कुछ जो है वो प्रोसेस बी को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी और यहाँ पर लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर यूनिट और अमाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा ये देखो, 30 अप्रैल में क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 5000 प्रोसेस ए का, तो क्लोजिंग स्टॉक में अगर 5000 रहेगा तो ट्रांसफर कितना हो जाएगा 45000 में, अगर 5000 ये अपने पास ही रख लेगा प्रोसेस ए जो भी फिनिश गुड्स इसने बनाया है तो कितना ट्रांसफर करेगा प्रोसेस बी को, बाकी बैलेंस 40000, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 45000 बन गया। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करें, ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक जो बना है इसको वेटेड एवरेज मेथड से बोला था, अगर तुम लोग यहाँ पर लास्ट लाइन देखो एक बार हम फिर से याद दिलाते, वेटेड एवरेज कॉस्ट बोला था। वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब देखो ये किसी और पीरियड में बना हुआ था, ये इस पीरियड में बना हुआ है, इसका देखो कॉस्ट था 1.20 जबकि ये नया वाला जो है इसका कॉस्ट है 1.225, तो दोनों अलग अलग कॉस्ट का है, ठीक है, लेकिन हमें बोल रहा है वेटेड एवरेज मेथड यूज करो। वेटेड एवरेज मेथड का मतलब क्या होता है, हम लोग एवरेज मतलब क्या होता है, मिक्सअप कर देना, एवरेज का मतलब ही होता है मिक्सअप कर देना। हम लोग बोल रहे हैं 6000 का इंडिविजुअल प्राइस बता रहे 1.20 दैट इज 7200 और 39000 का 1.25 के हिसाब से 48750, ये हो रहा है इंडिविजुअल रेट बताना, लेकिन जब वेटेड एवरेज से अगर हम लोग कॉस्ट निकालेंगे तो वो कैसे होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि टोटल 55950 रुपीस हम लोगों ने खर्चा किया अभी तक, ठीक है, अभी तक खर्चा किया और हमें कितना यूनिट मिला 45000, तो अगर एवरेज कर देते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, ये एवरेज हो गया ना, कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया 1.24333 ऐसे आ रहा है, तो जो कॉस्ट हमारा 1.20 और 1.25 हो रहा था इंडिविजुअली अगर दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो कुछ ऐसे आ रहा है 1.243333 ऐसे आ रहा है, तो हमें उसी से वैल्यू करना है बिकॉज क्वेश्चन हमें बोला है कि एवरेज मेथड करो, ठीक है, एवरेज मेथड के हिसाब से ये हो जाएगा वेटेड एवरेज मेथड। तो ये देखो, तो यहाँ पर 5000 × कितना हो जाएगा जितना कैलकुलेटर में दिख रहा है, तो देखो 6216 आ रहा है, 6216.66 आ रहा है, तो 6217 लिख देते हैं, तुम लोग इंटू करके देख सकते हो, ये देखो एट द रेट ऑफ 1.24 ही लिख रहे हैं हम, क्योंकि रुपए पैसे में तो 0.24 मतलब दो ही डिजिट आना चाहिए ना, तो ये भी एट द रेट ऑफ 1.24 होगा, लेकिन अगर हम लोग इससे वैल्यू करेंगे तो मैचअप करना दोनों साइड पॉसिबल नहीं होगा, ये मैंने तुम लोग को प्रूफ करके भी दिखाया। तो तुम लोग क्या करोगे, जितना भी कैलकुलेटर में डिजिट आ रहा है इंटू 5000 करोगे तो आ जाएगा 6216.66666 करके लास्ट में 5, तो 6217 आएगा। अब फिर से कैलकुलेटर में यही वाला मेथड करो, इंटू 40000 करो, अदरवाइज जो आया हुआ है डिवाइडेड बाई 5000 कर दो तो वही वाला 1.2433 आ जाएगा, जो भी आया है डिवाइडेड बाय 5000 कर दो, तो अब फिर कैलकुलेटर में हम लोग प्रीवियस स्टेप में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनटू 5000 किया था ना, डिवाइड 5000 कर दो वो कैंसिल हो जाएगा उसका इफेक्ट, और इनटू 40000 कर दो तो देखो 49733 आएगा, 49733.33 आ रहा है, तो 49733 प्लस 6217 चेक करते हैं कि टैली हो रहा है कि नहीं, 6217 देखो 55950,
सिर्फ ऐसे करने से ही टैली होना पॉसिबल है, अदरवाइज टैली होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटर में जितना डिजिट हो रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 49,733 ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रोसेस बी में। अब हम लोग प्रोसेस बी बनाएंगे। प्रोसेस बी अकाउंट to transfer from process A unit amount। अच्छा, process A से कितना transfer हो रहा है, ये वाला 40,000 और 49,733। To transfer from process A finished stock, process A का finished stock से transfer हुआ है। To material 5,000, direct labor 8,000, to material 5,000, to direct labor 8,000। अच्छा, उसके बाद देखो direct expense 1,500, to direct expense 1,500। अच्छा, normal loss इसमें भी था, normal loss इस process में भी था 10%, और तो कोई expenses नहीं है, तो by normal loss 10%, 40,000 into 10% कितना हो जाएगा, 4,000। 40,000 into 10% हो गया 4,000। और इसका कॉस्ट भी देख लेते कितना करके सेलेबल है, इसमें भी बोला है 50 per 100 unit। ठीक है, तो 100 यूनिट बेचेंगे तो 50 रुपीज मिलेगा, तो एक यूनिट बेचेंगे तो कितना मिलेगा, 50 by 100, ये पर यूनिट का आ गया। तो ये पर यूनिट कॉस्ट इंटू 4,000, 2,000 आएगा। सेम उसी तरह से किया, ठीक है, 2,000 आ जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक ऑफ प्रोसेस बी। प्रोसेस बी अपना जो फिनिश स्टॉक मेंटेन करता है वहां ट्रांसफर करेगा। अब कितना आउटपुट आ रहा है, देखो आउटपुट आ रहा है 36,500। क्या 36,500 ही आउटपुट आना चाहिए, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो कम मतलब ये ज्यादा दिख रहा है, 40,000 minus 4,000 कर दो तो आउटपुट आना चाहिए 36,000, बट आउटपुट आ गया है 36,500। वैसे भी तुम लोग दोनों साइड बैलेंस करोगे ना तो भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली तो ये इसीलिए बैलेंस हो रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर जो इनपुट है सॉरी जो आउटपुट है वो कम आना चाहिए था लेकिन ज्यादा आ रहा है, इसीलिए इधर बैलेंस हो रहा है। तो एबनॉर्मल गेन क्रेडिट होगा तो 500 हो रहा है, तो 40,500 यहाँ पर भी हो जाएगा 40,500। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और प्रोसेस भी यहाँ पर निकाल लेते हो जाएगा एकदम लास्ट में कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइजेबल, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 49,733 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500, 64,233। ठीक है, 64,233 ये टोटल कॉस्ट जो लगाया गया है इसको प्रोसेस करने में, और 2,000 रुपए से हमारा कॉस्टिंग कम हो जाएगा क्योंकि स्क्रैप रियलाइजेबल है। 40,000 minus 4,000, इनपुट यूनिट 40,000 और 4,000 हो जाएगा नॉर्मल लॉस यूनिट, तो -2,000, तो ये हो रहा है 62,233 डिवाइडेड बाय 36,000। अच्छा, ये भी पॉइंट में आ रहा है, 1.728 आ रहा है, तो हम 1.73 लिख देते हैं, लेकिन पूरा जो डिजिट दिख रहा है कैलकुलेटर में उसको रहने देंगे, इनटू 36,500 करेंगे, इनटू 36,500, तो ये आएगा 63097। 0.3 है तो 7 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि चेंज तभी होता है ना जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा डिजिट का डेटा रहता है। प्लस 2000, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2000 करने से 65,097। अच्छा, 65,097, और इसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन का, 1.73 करके हुआ, एट द रेट ऑफ 1.73, बट हम लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर का पूरा डिजिट से कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एट द रेट ऑफ 1.73 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी पूरे डिजिट से ही करेंगे। तो अभी हम लोगों ने 36,500 से इंटू किया था यहाँ पर जो डिवाइड करने के बाद डेटा आया था, तो अब डिवाइड कर दो फिर से 36,500, तो देखो जो डेटा हम लोग को प्रीवियसली मिला था हम लोग वहीं पर चले जाएंगे, प्रीवियस स्टेप में चले गए, इंटू
500, तो यहाँ पर आ जाएगा 864.3 है, तो मैंने 864 लिख दिया, तो टोटल कितना हो रहा है 64,233 तो हुआ ही था यहाँ तक, तो 64,233 तो ऑलरेडी हुआ ही था, प्लस कर लेते हैं 864, तो ये हो जाएगा 65097, देखो टैली हो रहा है, अदरवाइज टैली नहीं होगा, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो टैली नहीं होगा, प्रोसेस वही फॉलो करना है जो हम बोल रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस बी, फिनिश स्टॉक, यूनिट और अमाउंट, तो टू, इसमें भी ओपनिंग स्टॉक था, ये देखो 5001.60, तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5000 और एट द रेट ऑफ कितना करके है 1.6, तो 5000 × 1.6 तो ये बन रहा है 8000, ठीक है, ये हो रहा है 8000 टू ट्रांसफर फ्रॉम टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी, प्रोसेस बी अकाउंट से ट्रांसफर आ रहा है कितना 36500, और इसका जो कॉस्टिंग है वो है 63.97, तो इसका टोटल कर लेते ये हो गया 41,500 यूनिट में, और इसका टोटल हो जाएगा 71,097। अब कुछ क्लोजिंग स्टॉक में भी रखना है, ये देखो ये भी क्लोजिंग स्टॉक में रखेगा कितना 8,000, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000 क्लोजिंग स्टॉक में अगर रहेगा तो बाकी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी ट्रांसफर हो जाएगा बाय ट्रांसफर टू, वो बोला तो नहीं है कि नेक्स्ट प्रोसेस कुछ है कि नहीं है, और यहाँ फिनिश गुड्स बनेगा ये भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो अपना एक फिनिश गुड्स तो मेंटेन कर ही रहा है फिनिश स्टॉक, तो हम लिख देते बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ऐसे लिख देते नेक्स्ट प्रोसेस अगर कुछ है तो, ठीक है नेक्स्ट प्रोसेस, तो ये कितना हो जाएगा अगर 41,500 ओवरऑल इन लोगों के पास है और 8,000 इन लोगों को क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो 33,500 जो है ये ट्रांसफर करेगा ये लोग नेक्स्ट वाले स्टेज में। अच्छा, अब इसका वैल्यूएशन होगा वेटेड एवरेज मेथड से, तो देखो वेटेड एवरेज मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, 71,097 रुपीस का टोटल खर्चा हुआ है अभी तक, मतलब प्रीवियस मंथ का और इस मंथ का मिला के, और उसमें हमारा स्टॉक जो बना है वो 41,500 का बना है यूनिट में, तो 71,097 डिवाइडेड बाय 41,500, तो यहाँ भी कुछ पॉइंट में आ रहा है, ये देखो 1.713 आ रहा है, तो हम 71 ही लिख रहे हैं रुपीस इतना, तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन भी 1.71 और इसका भी वैल्यूएशन 1.71 से ही होगा, लेकिन हम लोग वही कैलकुलेटर में जितना डिजिट दिख रहा है इंटू 8,000 कर देंगे, तो इसमें आ रहा है 13,705, ठीक है, फिर डिवाइड 8,000 कर दो तो प्रीवियस स्टेप में पहुंच जाएंगे इनटू 33,500, तो इसमें आ रहा है 57,391.5, तो 16 कर देते पॉइंट के बाद 5 है, अब टोटल करके देखते हैं हमारा टैली होता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं 13,705 प्लस 57,396, तो ये आ रहा है, ये तो कुछ और ही आ रहा है 57,392 देखते हैं एक बार 57,392 3916, अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, देखते हैं फिर से एक बार 71,097 डिवाइडेड बाई 41,500 जितना भी आ रहा है इंटू 33,500, तो ये आ रहा है 57,391, अच्छा 1.5 है, तो 1 ये हो जाएगा 57,391.5, यानी इसको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है 1.5 इसको 2 लिखना पड़ेगा, तो 57,392 प्लस 13,705 71,097, देखो टैली हो रहा है 71,097,
तो इस तरह से अगर हमें प्रोसेस मतलब प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट भी बनाने बोले तो हम लोग इंडिविजुअली ऐसे बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर एवरेज बोलेगा ना तो तुम लोग ये मान के चलो कि ओपनिंग स्टॉक जरूर रहेगा, क्योंकि एवरेज तभी होगा ना अगर दो तरह का यहाँ पर प्राइस का रेट नहीं आता तो एवरेज का बात ही नहीं आता। यहाँ पर 1.20, यहाँ पर 1.25 है ना, तो एवरेज तभी होगा जब टू टाइप्स ऑफ प्राइस या मोर देन टू टाइप्स होता है, तो एवरेज अदरवाइज तो हो नहीं सकता सिंगल डेटा से। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग जो दूसरा कंसेप्ट करेंगे दैट इज थोड़ा सा देख लेते जितना होता है, लैपटॉप में चार्ज खत्म होने आ रहा है, देखते जितना हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। अब ये इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कब आता है, देखो इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कब आएगा, इक्विवेलेंट का कंसेप्ट तब आएगा, देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें रॉ मेटेरियल का खर्चा लगा है 55,000, ठीक है, रॉ मेटेरियल का खर्चा लगा है 55,000, और जो यूनिट फिनिश्ड गुड्स यूनिट जो बन के रेडी हुआ है वो है 5,500 सपोज, ठीक है। तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट कितना है रॉ मेटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना है, मतलब एक यूनिट में कितना रुपीस का रॉ मेटेरियल लगा है। अगर 55,000 का रॉ मेटेरियल हम लोगों ने अप्लाई किया है और फिनिश गुड्स हमें जो मिला है वो 5,500 है कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट रॉ मेटेरियल का कितना हो रहा है बताओ? 11 हो रहा है या 10 हो रहा है, आई थिंक 10 हो रहा है। देखो 55,000 डिवाइडेड बाई 5,500, 10 हो रहा है ना, हाँ, तो रुपीज 10 पर यूनिट, तो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर अब हम लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे रहा है कि फिनिश गुड्स जो है वो 50% कंप्लीट है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो 50% कंप्लीट है, तो बताओ कि इसमें रॉ मेटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा। मतलब 100% कंप्लीट होता है तभी तो हम लोग फिनिश गुड्स बोलते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है, दैट इज 50%। अगर 50% कंप्लीट है तो बताओ अभी तक रॉ मेटेरियल का कितना खर्चा हम लोगों ने कर दिया है, रॉ मेटेरियल का कॉस्ट 5 रुपए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, रुपीज 10 तो 100% के लिए, तो 50% के लिए कितना हो जाएगा 5 रुपए, यानी 5 रुपए का मेटेरियल लगाया है अभी भी 5 रुपए का लगाएंगे तभी जाके वो 100% कंप्लीट होगा। सिमिलरली अगर 30% कंप्लीट हुआ है तो रॉ मेटेरियल कितना अभी तक कॉस्ट इनकर्ड हुआ है अगर पूछा जाए, तो हम लोग सिंपल ऐसे कर देंगे इस पे 30% कितना हो जाएगा 3 रुपए, मतलब रॉ मेटेरियल 3 रुपए का अभी भी खर्चा हुआ है, अभी और भी खर्चा करना बाकी है। 25% अगर कंप्लीट है तो उसमें कितना हो जाएगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा, फिनिश गुड्स मतलब 10 रुपीज लगता है 100% कंप्लीट होने पे, तो 25% कंप्लीट हुआ यानी अभी तक हम लोग सिर्फ 2.50 रुपीज का ही रॉ मटेरियल का एक्सपेंस किए हैं, ठीक है, कॉस्ट रॉ मटेरियल का 2.5 ही लगा है फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने में। तो ये तो फिर भी इजी था कि अगर हम लोग फिनिश गुड्स का कंप्लीट यूनिट निकाल लेते हैं और कितना रॉ मेटेरियल का खर्चा है जैसे मैंने यहाँ पर लिया, सिमिलरली लेबर ओवरहेड के लिए भी हो सकता है, तो 55,000 का रॉ मेटेरियल खर्चा किया है, 5,500 फिनिश गुड्स मिला है, तो एक एक फिनिश गुड्स के लिए रॉ मेटेरियल का खर्चा 10, तो 50% अगर फिनिश गुड्स बनाए उसमें रॉ मेटेरियल का खर्चा 5, ठीक है, 30% बना है तो इसमें रॉ मेटेरियल का खर्चा 3, 25% बना है तो रॉ मेटेरियल का खर्चा 2.50। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगा जब ये 5,500 जो यूनिट है, ये तो मैंने बोला कंप्लीट यूनिट, ये क्या है, ये है कंप्लीट यूनिट, तभी तो हम लोग कैलकुलेट किए कि एक यूनिट बनने पे 10 रुपए खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ही कुछ पार्ट में दिया हुआ रहा है, ठीक है, ये कुछ पार्ट में दिया हुआ है, जैसे 1,000 यूनिट का अलग कंडीशन है, 2,500 यूनिट का कुछ अलग कंडीशन है और 2,000 यूनिट का कुछ अलग कंडीशन है, मतलब बता रहे अलग कंडीशन क्या बता रहे, देखो ये देख लेते पहले 5,500 हुआ कि नहीं, हाँ हुआ है, तो 1,000 यूनिट सपोज 100% कंप्लीट है, 2,500 यूनिट 50% कंप्लीट है और 2,000 यूनिट जो है वो 25% ही कंप्लीट है, ठीक है। तो एक चीज देखो, तो क्या हम लोग 55,000 रुपए का जो रॉ मेटेरियल लेके आए हैं क्या डिवाइडेड बाय ये कर सकते हैं,
55,000 रॉ मटेरियल का खर्चा करके डिवाइडेड बाय 5,500 करने से जो 10 रुपीज आएगा, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक यूनिट पे 10 रुपीज ही अभी तक खर्चा हुआ है? क्योंकि ये तो हमारा फिनिश गुड्स है ही नहीं. 5,500 यूनिट जो है वो पूरा कंप्लीट अभी तक बना नहीं है, उसमें से 1,000 कंप्लीट यूनिट है, उसके बाद 2,500 50% कंप्लीट है और 2,000 जो है वो 25% कंप्लीट है. तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट यूनिट में बना लेंगे. जैसे देखो अभी एक सिंपल सा कंसेप्ट देते हैं. जैसे मान लो कॉस्ट में तुम लोग का 10 चैप्टर्स है, ठीक है? कॉस्ट जो तुम लोग का सब्जेक्ट है उसमें 10 चैप्टर है. अगर मैंने पूछा तुम लोगों ने कितना रेडी किया है, तो तुम लोग बोल रहे हो हम लोगों ने 5 चैप्टर जो है वो 100% रेडी कर लिया है, ठीक है? और बाकी जो 5 चैप्टर है, नहीं इसको ना 20 कर देते तब आसानी रहेगा. 10 चैप्टर्स 100% रेडी कर लिया है, बाकी जो 10 चैप्टर्स हैं वो 50% रेडी किया है, ठीक है? मतलब टोटल 20 चैप्टर है कॉस्टिंग में, जिसमें 10 चैप्टर तुम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट कर लिया, दैट इज 100% कंप्लीट. लेकिन ऐसे कुछ 10 चैप्टर्स है जो तुम लोगों ने 50% कंप्लीट किया है. तो क्या हम लोग इसको इक्विवेलेंट करके बोल सकते हैं कि 50% 10 चैप्टर कंप्लीट का मतलब, क्या इसका इक्विवेलेंट हम लोग ये लगा सकते हैं 5 चैप्टर 100% कंप्लीट? सोचो एक बार, ये चीज को सोचो, तभी तुम लोग वो कंसेप्ट इजीली समझ पाओगे. क्या ऐसा सोच सकते हैं हम लोग? 10 चैप्टर आधा कंप्लीट हुआ, इसको अगर 100% में ट्रांसफर करना है तो हम बोल सकते हैं 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ? बोलो, इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, इक्विवेलेंट करना, ठीक है? जैसे इक्विवेलेंट का मतलब कैसे बोले, मतलब ये देखो ना, ये तो एकदम अच्छा एग्जांपल है. ये देखो 50%, जैसे 10 रुपए का 2 नोट, ठीक है, वो 20 रुपए के 1 नोट के बराबर होता है ना, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है? या फिर 100 रुपए का 5 नोट भी 500 रुपए होता है और 500 रुपए का 1 नोट भी 500 रुपए ही बताता है. उसी तरह से अगर हम लोग 10 चैप्टर आधा कंप्लीट किए हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हुआ है. 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर आधा कंप्लीट होने का मतलब हम लोग ये कंपेयर कर सकते कि 5 चैप्टर्स जो है वो 100% कंप्लीट है, इक्विवेलेंट कर रहे. इसका मतलब ये नहीं है कि 10 चैप्टर आधा आधा जो पढ़ के रखे हो उसका मतलब 5 चैप्टर पूरा पूरा पढ़ के रखो, ये हम नहीं बोल रहे. हम इक्विवेलेंट कर रहे हैं कि 10 चैप्टर्स 50% कंप्लीट का मीनिंग होता है 5 चैप्टर्स 100% कंप्लीट. क्योंकि 10 चैप्टर्स 50% कंप्लीट, तो 100% इक्वल टू क्या होगा? 100% इक्वल टू हो जाएगा 5 चैप्टर, ठीक है? 5 चैप्टर 100% कंप्लीट. तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 5 चैप्टर 100% पढ़ लेते, फिर 5 चैप्टर 100% पढ़ते, मतलब तुम लोग को और भी 10 चैप्टर 50% पढ़ना पड़ेगा ना, एक ही बात है, ठीक है? तो वैसे ही अगर 100% मेरा 1000 यूनिट कंप्लीट है तो ये कितना यूनिट बन रहा है? इसका मतलब 1000 यूनिट बन के रेडी हो गया है. 2500 यूनिट अगर 50% कंप्लीट है तो मुझे इसको 100% में ट्रांसफर करना है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2500 यूनिट अगर मेरा 50% कंप्लीट है तो इसका इक्विवेलेंट यूनिट 1250 यूनिट जो कि 100% कंप्लीट है. कैसे कैलकुलेट किया? 2500 × 50%, ये वाला कंपेयर करके देखो. 10 चैप्टर आधा कंप्लीट हुआ मतलब इसका इक्विवेलेंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5 चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अगर हमें फुल्ली कंप्लीट में बताना हो तो हम लोग बोलेंगे 10+5 टोटल 15 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 15 चैप्टर 100% कंप्लीट है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 10 चैप्टर फुल्ली कंप्लीट, बाकी 10 चैप्टर आधा 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 करके कंप्लीट है, ठीक है? बाकी 10 चैप्टर आधा आधा करके कंप्लीट है, तब भी हमारा ऐसे ही आएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं 2500 यूनिट जो आधा कंप्लीटेड है, इसका मतलब 1250 यूनिट फुल्ली कंप्लीटेड है. देखो कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं? और अगर 2000 यूनिट सिर्फ 25% कंप्लीट है, 1/4, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका 100% इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका 100% इक्विवेलेंट 500 यूनिट होगा, ठीक है? 2000 यूनिट 25% कंप्लीट है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 500 यूनिट 100% कंप्लीट है. बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट, लेकिन समझ में आ रहा है क्या? पहले इक्विवेलेंट को हमें समझना पड़ेगा, बाद में तो क्वेश्चन करेंगे. पहले इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो उसके साथ बराबर होता है. 10 आधा चैप्टर पढ़ने का मतलब ही हो रहा है 5 पूरा चैप्टर पढ़ना. 10 चैप्टर आधा पढ़ने का मतलब ही क्या होता है? 5 पूरा चैप्टर पढ़ना, ठीक है?
जैसे मान लो दो बुक है, एक कॉस्ट का है एक अकाउंट्स का है, तुम लोग बोल रहे हो कॉस्ट का बुक 50% पढ़ लियो, अकाउंट्स का बुक 50% पढ़ लियो, लेकिन हम बोल रहे हैं इसको 100% में बोलो, तब तुम लोग कोई भी एक बुक बोलोगे कि कोई भी एक बुक 100% कंप्लीट है, इसको इक्विवेलेंट करना है। ये 50-50 हुआ है, मतलब इक्विवेलेंट करके हम लोग बोलेंगे कि एक बुक पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बुक पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोग इक्विवेलेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 100%। 100% क्यों कर रहे हैं, जब तक 100% नहीं करेंगे कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल पाएंगे। हेलो, आवाज आ रहा है? यस मैम। हाँ मैम अभी आ रहा है। अच्छा, बीच में चला गया था। अच्छा, स्क्रीन शेयर है? स्क्रीन दिख रहा है तो स्क्रीन शेयर कर दिए। हाँ मैम। अच्छा देखो, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा मतलब रिलेट करने का कोशिश करो। हाँ हेलो, बोलो। नहीं दिख रहा हेलो, है मैम। नहीं दिख रहा है? अच्छा एक मिनट, फिर से शेयर करते हैं। अब दिख रहा है? अब शुभश्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा है? अच्छा एक बार रीज्वाइन करो। शायद ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो ज़्यादा हम भी नहीं करवा पा रहे, यहाँ तो ये ऑलरेडी जाने वाला है लैपटॉप भी। अच्छा देखो, तो तुम लोग मुझे इतना बताओ, क्या तुम लोग को कंपैरिजन समझ में आ रहा है? हम लोग क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं? बोलो, कंपैरिजन समझ में आ रहा है? क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं? 50% अगर कंप्लीट है कोई भी चीज, जितना कंप्लीट है उसका 100% का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखो बेनिफिट ये होगा कि अब टोटल यूनिट कितना बन रहा है, यहाँ पर इसका टोटल करो 2750, ये 100% कंप्लीट हो गया है ना। 2750 100% कंप्लीट हो गया, यानी अब हम लोग बोल सकते हैं कि 55,000 जो हम लोगों ने खर्चा किया है उससे हम लोगों ने कंप्लीटेड यूनिट कितना बनाया, 2750। तो कंप्लीटेड यूनिट बनाने का कितना खर्चा होता है, 55,000 माइनस 2750, सॉरी डिवाइडेड बाय 2750, तो रुपीस कितना हो गया, 20। देखो कॉस्ट पर यूनिट लेकिन चेंज हो गया, ₹20 हो जाएगा, ठीक है, तो ₹20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब पहले समझना जरूरी है, तो इस चीज को तुम लोग एक बार ध्यान से देखना। नेक्स्ट दिन ही करेंगे, आज तो पॉसिबल नहीं है, बाकी आगे करना। तो इसको एक बार कंसेप्ट को फिर से याद कर लेना, और नेक्स्ट दिन हम फिर से ये बताएंगे, क्योंकि आज तो पूरा बता नहीं पाए, तो एक बार यहीं तक रखते हैं आज, लैपटॉप जाने वाला है अब।